रिम्सम वेलकम टू माय चैनल द सोलो शेफ तो आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है के स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्द बनने वाले हैं और बाजार से बहुत बेहतर टेस्ट में तो चले देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने हाफ के जी चिकन लिया है कनोअर का क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स लिया है और थ्री टेबल पानी लिया है सबसे पहले कनौर का, का हाफ़ पैकेट हम बाउल में डाल देंगे और हाफ पैकेट हम बाद के इस्तेमाल के लिए रख लेंगे इसके बाद अब हम इसके अंदर थ्री टेबल स्पून पानी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर हाफ़ के जी चिकन डाल देंगे और चिकन में अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं अब हम एक बाउल लेंगे उसमें मैंने तीन कप मैदा लिया है और कनौर का जो पैकेट हमने पहले बचाया हुआ था उसमें वो डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम चिकन के पीस पकड़ेंगे और इसको मैदे में कॉट कौर्ट करेंगे कॉटिंग के लिए आपने हमेशा मैदा ज़्यादा लेना है वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे कॉट करने के बाद अब हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे और ऐसे ही बाकी पीसेस को भी कॉट करते जाएंगे और तकरीबन 10 मिनट तक तमाम पीसेस को ठंडे पानी में रखेंगे दस मिनट के बाद अब हम पीसेस को दोबारा से पानी से निकाल के मैदे में कॉट करेंगे जिस हाथ से आपने पानी से चिकन को निकाला है उस हाथ से आपने मैदे को उस पर नहीं लगाना जो दूसरा हाथ साफ है उस हाथ से आप मैदे को चिकन पे लगाएं। कॉट करने के बाद जिस मसाले से आपने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें इसको दोबारा डीप करें और फिर मैदे में कॉट करें और ऐसे ही बाकी पीसेस को भी हम बना लेंगे तमाम पीसिस की मैंने कॉटिंग कर ली है तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे चिकन की कॉटिंग करते वक्त मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था तो अब हम चिकन की पीसीस को ऑयल में डाल देंगे और दस मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे दस मिनट के बाद अब हम चिकन की साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी दस मिनट तक लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे दस मिनट के बाद चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे तैयार है मजेदार सा स्टाइल चिकन फ्राइड उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज